हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। और बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर से करते हैं। भरतपुर के बहुचर्चित राजा मानसिंह हत्याकांड में दोषी पाए गए 11 लोगों को मथुरा कोर्ट ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। मथुरा की अदालत ने यह सजा सुनाई है, 11 लोगों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है और ये 11 पुलिसकर्मी हैं जिन्हें उम्र कैद की सजा सुनाई गई है। भरतपुर का बहुचर्चित राजा मानसिंह हत्याकांड, इसमें 11 पुलिसकर्मी दोषी पाए गए थे, अब इन्हें उम्र कैद की सजा सुनाई गई है। ये घटना जो है वो 21 फरवरी 1985 की है। उस वक्त राजस्थान में चुनावी माहौल था। जींग विधानसभा क्षेत्र के निर्दलीय उम्मीदवार थे राजा मानसिंह। अपनी जोंगा जीप लेकर चुनाव प्रचार के लिए लालकुंडा के चुनाव कार्यालय से थाने के सामने से निकले थे। पुलिस ने उन्हें घेर लिया था, ताबड़तोड़ फायरिंग हुई थी, पुलिस एनकाउंटर में उनकी जान गई थी और अब इसी मामले में 11 पुलिसकर्मियों को आजीवन कारावास की सजा। हम सीधे रुख करते हैं, मेरे साथ मेरे सहयोगी मनीष शर्मा इस समय मौजूद हैं। मनीष, सालों का इंतजार करना पड़ा है इस इंसाफ के लिए, क्यों? जी रोमना, 35 साल, तकरीबन 1700 तारीख पूरे मामले में हुई थी, यानी 35 साल। जैसा आपने बताया कि 20 फरवरी को ये हादसा हुआ था, साल था 1982 और तब राजस्थान में शिवचरण माथुर कांग्रेस पार्टी की तरफ से मुख्यमंत्री थे और राजा मानसिंह डीग से चुनाव लड़ रहे थे। बहुत ही प्रतिष्ठित नाम भरतपुर के लिहाज से अगर हम बात करें राजा मानसिंह का, पूरे राज परिवार के प्रतिनिधि के तौर पर वो उस वक्त चुनाव लड़ रहे थे और उन्होंने अपनी जोंगा कार से मुख्यमंत्री शिवचरण माथुर के हेलीकॉप्टर पर टक्कर मारी थी। इसके बाद प्रशासन हरकत में आया और घेरा गया राजा मानसिंह को और बीच बाजार में उन पर ताबड़तोड़ फायरिंग की थी, जिसकी वजह से राजा मानसिंह की हत्या हुई थी। अब जिन लोगों को, 11 पुलिस वालों को इस मामले में आजीवन कारावास दिया गया है, उनमें एक तत्कालीन डीएसपी कान सिंह भाटी भी हैं और इसके अलावा अन्य छोटे बड़े पुलिस कर्मचारी भी शामिल। बहुत बहुत धन्यवाद आपका मनीष शर्मा इस तमाम जानकारी के लिए। तो 11 पुलिसकर्मी जिन्हें उम्र कैद की सजा सुनाई गई है अदालत की तरफ से। और अब इस वक्त की बड़ी खबर, सुप्रीम कोर्ट में विकास दुबे इनकाउंटर केस पर सुनवाई हो रही है। इस पर बहस इस बात पर हो रही है कि इनकाउंटर की जांच कौन करेगा। बिकरू हत्याकांड से जुड़ी बड़ी खबर, यूपी सरकार ने जांच टीम का नाम सुप्रीम कोर्ट को सौंपा है। पूर्व सुप्रीम कोर्ट के जज बीएस चौहान से जांच कराने का प्रस्ताव। पूर्व डीजीपी के तौर पर केएल गुप्ता का नाम प्रस्तावित किया गया है। तो पूर्व डीजीपी केएल गुप्ता का नाम प्रस्तावित है। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कोर्ट को बताया कि इलाहाबाद में रह रहे पूर्व सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस बीएस चौहान से कमेटी में शामिल होने का निवेदन किया गया है। याचिकाकर्ता ने यूपी सरकार की तरफ से कमीशन के सदस्यों के नाम तय किए जाने पर एतराज जताया है। तो बिकरू हत्याकांड के बाद गैंगस्टर विकास दुबे इनकाउंटर के मामले की जांच के लिए ये न्यायिक आयोग और इस न्यायिक आयोग में किस किस को शामिल किया जाए, जो नाम यूपी सरकार की तरफ से प्रस्तावित किए गए हैं, उसी पर एतराज जो याचिकाकर्ता ने जताया है। याचिकाकर्ता ने यूपी सरकार की तरफ से जो कमीशन के सदस्य हैं उनके नाम तय किए जाने पर एतराज जताया है। यूपी सरकार की तरफ से जो नाम सुझाए गए हैं उसमें नाम एक सामने आ रहा है पूर्व डीजीपी केएल गुप्ता का, दूसरा नाम जो सामने आ रहा है वो इलाहाबाद में रह रहे सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज बीएस चौहान हैं। ये दो नाम जो बताया जा रहा है कि इसमें शामिल किए गए हैं जांच आयोग में। और इस बीच हम सीधे रुख करते हैं, मेरे साथ मेरे सहयोगी अंकित गुप्ता इस समय मौजूद हैं। अंकित, जो नाम यूपी सरकार की तरफ से सुझाए जा रहे हैं याचिकाकर्ता, उस पर एतराज जता रहा है, इस वक्त किस तरीके से मामला आगे बढ़ा है सुप्रीम कोर्ट में? लेकिन रोमारे, सबके बीच में एक कोर्ट की बहुत महत्वपूर्ण टिप्पणी सामने आई है, सबसे पहले वो बताना चाहूंगा। कोर्ट ने टिप्पणी करते हुए कहा है कि यूपी पुलिस अपराधियों को निपटाने के लिए इस तरह के एनकाउंटर का सहारा ना ले। आयोग एक हफ्ते में काम शुरू करेगा, 2 महीने में सुप्रीम कोर्ट और यूपी सरकार को रिपोर्ट देगा। लेकिन जो कोर्ट की ये टिप्पणी है ये अपने आप में काफी महत्वपूर्ण कही जा सकती है, क्योंकि लगातार जो याचिकाकर्ता है उनकी तरफ से ये कहा जा रहा था, यहाँ पर ऊपर से निर्देश दिए गए थे पुलिस को कि इसका जो विकास दुबे का एनकाउंटर करना है। और जब कोर्ट अब ये टिप्पणी की है तो निश्चित तौर पर यह काफी गंभीर टिप्पणी के तौर पर भी देखी जा सकती है। कोर्ट की टिप्पणी एक बार फिर से दोहराना चाहूंगा, यूपी पुलिस अपराधियों को निपटाने के लिए इस तरह के एनकाउंटर का सहारा ना ले।
ये कोर्ट ने टिप्पणी की है। इस सबके बीच में अगर बात की जाए, जो ये कमेटी बनी है इसमें जस्टिस बीएस चौहान का नाम सामने आया है, तो उस पर भी हालांकि आपत्ति दर्ज करवाई गई थी, लेकिन कोर्ट ने साफ तौर पर कहा कि जस्टिस बीएस चौहान का नाम ऐसा नाम है जिसको शायद कोर्ट की तरफ से भी सुझाया जाता, तो उस पर कोई आपत्ति नहीं है। और इस सबके बीच में कोर्ट ने साफ कर दिया है कि ये जो आयोग है ये एक हफ्ते में काम शुरू करेगा और 2 महीने में सुप्रीम कोर्ट और यूपी सरकार को अपनी रिपोर्ट देगा। ये बड़ी जानकारी जो अंकित गुप्ता दे रहे हैं कि ये न्यायिक आयोग एक हफ्ते के भीतर भीतर अपना काम शुरू कर देगा और 2 महीने के अंदर अपनी रिपोर्ट ये सामने रखेगा। न्यायिक आयोग का गठन, जिस तरीके से कुख्यात गैंगस्टर विकास दुबे का इनकाउंटर हुआ उसी को लेकर ये बड़ा फैसला जो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से किया गया है। हम सीधे आपको लेकर चलते हैं, निपुण सहगल इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। निपुण, तो 2 महीने के अंदर अंदर रिपोर्ट अदालत की तरफ से कहा गया है कि सामने रख दे तैयार करके न्यायिक आयोग? जी बिल्कुल, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि एक हफ्ते के भीतर आयोग अपना काम शुरू कर दे। तो जो नाम यूपी सरकार की तरफ से सुझाए गए थे जस्टिस बीएस चौहान और पूर्व डीजीपी केएल गुप्ता के, उनको मंजूरी दे दी है सुप्रीम कोर्ट ने और कहा है कि एक हफ्ते के भीतर आयोग अपना काम शुरू कर दे। कानपुर में आयोग का दफ्तर होगा और 2 महीने में रिपोर्ट तैयार करे आयोग, जिसे कि यूपी सरकार और सुप्रीम कोर्ट दोनों को सौंपा जाए। कितने सदस्य न्यायिक आयोग का गठन किया गया है? देखिए, 3 सदस्य होंगे न्यायिक आयोग में। यूपी सरकार ने पहले ही आयोग बनाया था जिसमें कि जस्टिस शशिकांत अग्रवाल थे जो कि इलाहाबाद हाईकोर्ट के पूर्व जज हैं, वो सदस्य बने रहेंगे। अब 2 और सदस्य जोड़े गए हैं, सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश बीएस चौहान और पूर्व डीजीपी यूपी के केएल गुप्ता। तो 3 सदस्यीय ये आयोग है जो कानपुर से काम करेगा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि इस आयोग को स्टाफ यूपी सरकार मुहैया नहीं कराएगी, केंद्र सरकार स्टाफ देगी इस आयोग को, तो निष्पक्ष तरीके से काम कर सके आयोग, ये सुनिश्चित करने की सुप्रीम कोर्ट ने कोशिश की है और कहा है कि सभी पहलुओं की जांच होगी। इस बात की भी जांच होगी कि विकास दुबे आखिर बाहर कैसे था जब उसके ऊपर इतने सारे मुकदमे थे, तो साफ तौर पर उसको संरक्षण कौन दे रहा था, इसकी भी जांच ये आयोग करेगा और 2 महीने में। बहुत बहुत धन्यवाद आपका निपुण सहगल इस तमाम जानकारी के लिए। तो देखिए, ये 3 सदस्यीय आयोग जिसका गठन कर दिया गया है, न्यायिक आयोग, जो 2 महीने के भीतर भीतर अपनी रिपोर्ट सौंपेगा और उसके बाद ये इंतजार किया जा रहा है कि बिकरू हत्याकांड, कुख्यात गैंगस्टर विकास दुबे का इनकाउंटर, इस तमाम मुद्दों पर जिस तरीके के सवाल उठ रहे हैं उनके जवाब सामने आ